हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं फैला करके बैठ गई हूँ बच्चों की बुक शेल्फ, तो जिसमें पुरानी बुक्स भी ना, कुछ नोटबुक्स रखी हुई थी जो ना जैसे बच्चे यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले ना जब बच्चे, आप ट्रस्ट करोगे कि 7th 8th क्लास की जो नोटबुक्स होती है ना, वो भी अभी तक मेरे पास रखी हुई हैं। क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि उसमें से ना आधे पेजेस जो हैं वो भरे हुए होते हैं और आधे पेजेस जो हैं वो मतलब खाली होते हैं। तो इसलिए ना मैं उन नोटबुक्स को ना रख लिया करती थी कि शायद बच्चे रफ़ काम करेंगे। तो आज मैंने ना बहुत सारी नोटबुक्स भी निकाली, रजिस्टर भी निकाले। तो उनमें से भी क्या होता है कि रजिस्टर भी जो अब तक की हैं उनमें भी ना आधे आधे जो रजिस्टर हैं वो भरे हुए हैं। कुछ पेजेस, मतलब कुछ पेजेस ही उसमें भरे हुए होते हैं, बाकी सारे पेजेस खाली होते हैं और बच्चे उनको यूज़ नहीं करते हैं और नए क्लासेस में नए रजिस्टर आ जाते हैं। तो इसीलिए ना काफ़ी सारी नोटबुक्स रजिस्टर मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज इनको कर ही लेते हैं निकाल के ठीक ठाक, और जो रद्दी निकालनी होगी वो रद्दी भी निकाल देती हूँ। तो देख रहे हो कितना सारा ख़राब हो रखी है, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी जो नोटबुक है ना वो रखी हुई हैं। तो यहाँ बस देखो, एक एक दो दो पेज जो बीच में ना खाली होते हैं वो होते हैं, पीछे से खाली होते हैं, बीच में से बच्चे भर लेते हैं क्योंकि टेस्ट वगैरह देते हैं, तो कुछ पेजेस छोड़ के कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से ना रजिस्टर ना तो वो पूरा भरा हुआ ही होता है ना पूरा खाली ही होता है। तो मैंने क्या किया कि आज उसमें से जो जो खाली पेजेस थे ना वो सब मैंने निकाल लिए, जो ज़्यादा पेजेस भरे हुए थे रजिस्टर के उनमें से। तो यहाँ देख रहे हो कुछ पेजेस खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं, क्योंकि ना जो पहले बच्चों की जो नोटबुक्स थी ना उनमें पहले टेस्ट कॉपी अलग लगती थी और सारे सब्जेक्ट्स की ना नोटबुक्स अलग अलग लगती थी, तो इसलिए भी काफ़ी सारी नोटबुक्स इकट्ठी हो जाती हैं और कुछ पेजेस मतलब भरे हुए होते हैं, कुछ खाली। और जैसे ही हम मांगते हैं ना कुछ लिस्ट वगैरह बनाने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं कि जो वो यूज़ कर रहे होते हैं ना उस क्लास की, तो उसी में से ना पेजेस फाड़ करके दे देते हैं। तो बस यहाँ मैंने सारे पेजेस को ना निकाल लिया है, काफ़ी सारे मैंने पेजेस निकाले हैं रजिस्टर के, नोटबुक्स के। तो यहाँ बस ये ना जो बोर्ड होता है ना, जिसको हम कहते हैं पेपर बोर्ड, तो यहाँ बस मैंने इनको लगा दिया कि अब हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना किसी भी पेज की, तो बच्चों को ना अपनी नोटबुक वगैरह में से फाड़ने ना पड़े रजिस्टर में से, तो यहाँ से ले लेंगे। और कोई भी काम होता है तो चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही थी आपको कौन सी क्लास की है, काफ़ी मतलब 7th क्लास की शायद ये नोटबुक है। तो ये अब तक मैंने रखी हुई थी कि शायद बच्चे इसमें कुछ काम करेंगे जो पेजेस खाली हैं, लेकिन आज मैंने इन छोटी वाली नोटबुक के में पेजेस भी निकाल लिए हैं और काफ़ी सारी रद्दी मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि जब तक इनको नहीं निकालेंगे तब तक घर में कचरा भरा रहेगा और काफ़ी मैसी सा लगता है। तो यहाँ पर से आज मैंने ये काम स्टार्ट किया और ये सब काम मैंने नहा धोकर काम करके, क्लीनिंग वगैरह करके, नाश्ता वगैरह बना के, किचन की क्लीनिंग करके, ये सब काम मैं तब कर रही हूँ कि चलो आज ये वाला काम मैं निकाल देती हूँ मतलब निपटाने के लिए, तो रद्दी भी निकल जाएगी और जो पेजेस वगैरह जो काम किए वो भी एक तरफ हो जाएंगे। और जो कुछ रजिस्टर ऐसे थे जिसमें ना सिर्फ कुछ पेज ही लिखे हुए थे, बाकी पूरा रजिस्टर वो खाली था, तो उसमें मैंने क्या किया, उसमें से मैंने पेजेस नहीं फाड़े, उसका मैंने बस खाली जो नए नए पेजेस थे, पुराने पेजेस थे ना जो मतलब भरे हुए पेजेस थे, सिर्फ उनको फाड़ दिया और जो खाली पेजेस थे उनको रजिस्टर में ही रहने दिया, क्योंकि बहुत सारे पेजेस थे, मतलब आधे से ज़्यादा रजिस्टर वो खाली था और थोड़े बहुत पेज ही यूज़ किए हुए थे। तो बस यहाँ मैं इसी तरीके से सारी नोटबुक्स और रजिस्टर वगैरह को देख लेती हूँ। और यहाँ से जो मैं दिखा रही थी ना आपको रजिस्टर, ये देखो पूरा रजिस्टर ये खाली है, सिर्फ ये 10 पेज मुश्किल से होंगे जो भरे हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना इसको कैंची से काट लिया है, क्योंकि अगर आगे से जब पेजेस को फाड़ते हैं ना तो वो पीछे वाला पेजेस भी ना निकल जाता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको सीजर से ना कट कर लिया है थोड़ा सा छोड़ के, और बस इसको कट कर लूँगी तो बस ये जो भरे हुए पेजेस हैं ये निकल जाएंगे। तो इस तरीके से देखती हूँ, बच्चे अगर रफ़ काम के लिए भी यूज़ कर लेंगे तो ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे भी, और थोड़ी सी ना ये बचत भी हो जाएगी कि दूसरा नया रजिस्टर जब लेना चाहेंगे पतला वाला तो ये वाला रजिस्टर काम आ जाएगा। और इस तरीके से ना 3-4 रजिस्टर थे जिसमें ना थोड़े थोड़े पेजेस भरे हुए थे, तो आज मैंने इनको निकाल लिया। इससे इसके कई बेनिफिट हो जाएंगे कि हमारी बचत भी हो जाएगी, नया रजिस्टर खरीदने के स्थान पर हम इस वाले रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं, और कुछ अलमारी जमा भी ना जो जो बुक शेल्फ है उसमें भी जगह हो जाएगी, और मैसी मैसी जो दिख रहा था वो भी साफ़ सुथरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्लीनिंग हो जाएगी, रद्दी निकल जाएगी। तो यहाँ बस मैंने इस वाली शेल्फ को ना साफ़ कर लिया, अभी नीचे वाले एरिया को मैंने नहीं छेड़ा है, क्योंकि इसमें ना हस्बैंड के भी ना कुछ सामान मतलब
हैं कुछ, उनके भी काम का सामान है, तो अभी एक एक करके ही मैं ठीक करूँगी क्योंकि और भी काम होते हैं घर में। तो यहाँ बस मैंने जो ये सारी बुक्स वगैरह वो रख दी हैं, और ये जो स्टैंड है ना, ये प्लेट स्टैंड है, जो होता है ना जो स्टैंड आता है बर्तनों का, ये उसमें से मैंने कटवाया था क्योंकि स्टैंड अब नहीं लगा हुआ है, तो उसमें भी मैं बुक्स रख देती हूँ, कभी छोटी मोटी बुक्स आ ही जाती हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही थी बेटे की ड्राइंग, तो ये भी निकल गई थी ना, जब कुछ साफ़ करते हैं ना तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं, तो यहाँ इसने ना काफ़ी सारी ड्राइंग ये बनाता था जब छोटा था पहले, तो बस मैं वही देख रही थी कि बहुत संभाल के मैंने इनको भी रखा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर सी ड्राइंग है ये, तो बस ये मैं आपको दिखाने लगी थी, फिर मैंने चलो वीडियो भी बना लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी। अभी तक इनको संभाल के रखा हुआ, ये मेरे ख्याल से 8th या 9th की ही हैं इसकी, और अभी मेरा बेटा 12th में। और यहाँ मैं दिखाई थी शादी के कार्ड, शादी के कार्ड पे जो ये गणेश जी होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको ना मैं निकाल के ना कहीं भी अलमारी पे या ट्रोले वगैरह में ना कहीं भी लगा लेती हूँ, और जो ये कार्ड्स हैं ना जो शादी के, वो मैं फेंकती नहीं हूँ ना, रद्दी में देती हूँ, तो जो इनका जो प्रिंट वगैरह होता है ना, ये मुझे अच्छा लगता है, जैसे हम कभी गिफ्ट पैक करते हैं ना तो उसके ऊपर जो नाम वगैरह लिखने के ना ये काम आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैंने संभाल करके रखे हुए हैं, मतलब 3-4 कार्ड ही हैं, बाकी के तो शायद तो मेरे जिनके गणेश जी निकाल लेती हूँ ना वो तो फिर भी रख देती हूँ, लेकिन जिनमें गणेश जी होते हैं ना वो मैं नहीं फेंक पाती हूँ, उनको मैं मतलब रख लेती हूँ सेव करके। तो यहाँ बस मैं वही गणेश जी आपको दिखा रही थी, बस उसके बाद मैंने अलमारी को थोड़ा सा ठीक कर दिया, और अभी तो ऐसे लगा दिया है, लेकिन बच्चे फिर से फैला देंगे, मतलब बेटे की ही है अलमारी, बेटी की तो अलग ही अलमारी है, वो अपना सारा सामान अलग ही रखती है। और यहाँ दिखा रही थी मैं रद्दी कितनी सारी निकल गई है, तो आज बस मैंने यही किया, मतलब और भी बहुत सारे काम किए, पर जो वीडियो बनाई वो इसी की बनाई। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।